पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवां धमाका। इतने धमाकों के बाद भी क्या हमास का कमांडर और गाजा का बिन लादेन कहा जाने वाला याया सिनवार जिंदा है, या फिर इन धमाकों में इज़राइल का कट्टर दुश्मन हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गया है? हमास का कमांडर याया सिनवार कहां है, कैसा है, किस हाल में है, यह फिलहाल कोई नहीं जानता। उसको शिद्दत से ढूंढने वाला इज़राइल भी नहीं जानता कि सिनवार जिंदा है या मर चुका है। वो बस सिनवार की मौत पुख्ता करने के लिए गाजा पर लगातार बम मारे जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि सिनवार इस वक्त गाजा में ही है। अगर वो जिंदा है तो वो कहीं छुपा हुआ है। क्या वो बमबारी में तबाह हो चुकी किसी इमारत के खंडहर में छुपा है या किसी सुरंग में ठिकाना बनाया हुआ है? यही वजह है कि इज़राइल हर दिन हमास के सुरंगों को निशाना बना रहा है, गाजा में चुन चुन कर हमास की सुरंग को बर्बाद कर रहा है, हर उस ठिकाने को निस्तो नाबूद कर रहा है जहां हमास का पूरा कैडर हो सकता है या फिर उसके लीडरों के छिपे होने का शक है। एयर स्ट्राइक, टैंक से बमबारी, सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन, इन हमलों से एक बात तो साफ है कि इज़राइल ने याया सिनवार की मौत की गारंटी ले ली है। उसके पास गाजा से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यह नेतन्याहू की कसम है कि सिनवार या तो मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा, लेकिन गाजा से बचकर नहीं जा पाएगा। यह सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। यहां इज़राइल की सेना ने हमास की एक और सुरंग पर धावा बोल दिया है। करीब 100 मीटर लंबी इस सुरंग में हमास के लड़ाकों ने जंग का पूरा इंतजाम किया हुआ है। युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान तैयार है। यहां से मोर्टार बरामद हुए, ग्रेनेड भी मिले। इज़राइल की सेना पर अटैक करने के लिए RPG रॉकेट का जखीरा भी मिला। साथ ही वो सामान मिला जिसके सहारे हमास के रॉकेट की रेंज बढ़ाई जा सके, वो लंबी दूरी तक इज़राइल की सेना पर हमला कर सके। इज़राइल की बहुत ही खतरनाक माने जाने वाली 179th ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब एक और वीडियो देखिए। इज़राइल अपने दक्षिण की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक के बाद एक टैंक से फायर किया जा रहा है। सेना की गाड़ियां हमास के ठिकानों और उसके एंटी टैंक दस्तों को तलाश कर रही हैं, क्योंकि इसी ने इज़राइल की नाक में दम कर रखा है। देखा जाए तो इज़राइल ने हमास के हर लीडर, फिर चाहे वो याया सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो या खालिद मेशाल, सभी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इसमें याया सिनवार जिंदा है या मर चुका है पक्का नहीं मालूम। हानिया और खालिद मेशाल भी खौफ में है, जबकि हमास के नंबर दो साले अल अरूरी को इज़राइल खत्म कर चुका है। वैसे युद्ध के 3 महीने बाद भी इज़राइल को वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसे उम्मीद थी। यही इज़राइल की सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हमास के थिंक टैंक को मारने या पकड़ने में लगेगा, युद्ध उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा। और युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, इज़राइल को ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर उतना नुकसान होगा, बल्कि उसकी सेना की साख भी गिरती जाएगी, जो अभी तक इस युद्ध के बड़े टारगेट हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उसकी बमबारी में करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। שלושה חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צהל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. נתניהו, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते।
कि उन्हें अब किसी भी तरह का नुकसान हो, वो गाजा में भी फंसे हैं और इसराइल के राजनीतिक हालात के बीच करप्शन के इल्जाम में भी फंसे हैं। लेकिन इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमास की हार, उसके बड़े कमांडर्स की मौत या सरेंडर। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसका अंत कैसे होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कई कोशिशों के बाद भी अब तक सुलझ नहीं पाई है। जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हमास के लड़ाकों के साथ गाजा में रह रहे निर्दोष लोग भी मारे जाते रहेंगे, उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी। गाजा में एक बार फिर सीज फायर की कोशिश शुरू हो गई है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि गाजा में सीज फायर कराया जाए। किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो इसके बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। गाजा की फिक्र पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। यही वजह है कि सभी अब यही चाहते हैं कि कम से कम इसराइल अपने ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दे कि आम लोग उसकी बमबारी का शिकार ना बने। Dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen. Das Leid so vieler unschuldiger Beteiligter kann so nicht weitergehen. अब इस बच्चे को देखिए। इसराइल की बमबारी के बाद ये एक इमारत के मलबे में दबा हुआ था। आधे घंटे तक वो मलबे में दबा रहा और उसके बाद इसे किसी तरह से जिंदा निकाला गया। इसलिए गाजा तबाही के साथ जिंदगी की उम्मीद भी देख रहा है। हालांकि धमाके और खून खराबे के अलावा गाजा में अब कुछ बचा नहीं है। गाजा में इस वक्त जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। एक बड़ी आबादी के पास अब रहने के लिए घर नहीं है, वो रेफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर है। यहाँ ना खाने की सही व्यवस्था है और ना ही पीने की। मेडिकल व्यवस्था तो पहले ही चरमराई हुई है। लोगों का कहना है कि इसराइल ने बाहर से आने वाली मदद को रोक दिया है। كل هذه ممنوعه من جاي من طرف اسرائيل فاحنا بدناش المجتمع الدولي والامم المتحده نسمح بدخولها لانه حتقل كفاءه المياه يعني خلال فتره قريبه جدا يعني दुनिया गाजा से आ रही हर तस्वीर को देख रही है, लेकिन इसराइल को सिर्फ सिनवार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। याया सिनवार का खौफ पूरे इसराइल में फैला हुआ है, क्योंकि हमास के कब्जे से रिहा हुए एक बंधक ने याया सिनवार को लेकर जो बात बताई है वो नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हमास के कब्जे से रिहा हुए एक बंधक ने बताया है कि जब गाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे तब एक दिन अचानक सुरंग का दरवाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिनवार बताया जा रहा है। वो व्यक्ति इसराइल में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहाँ हमास के कब्जे में महफूज हो, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसकी हिब्रू भाषा बोलने का लहजा बिल्कुल एक इजरायली व्यक्ति की तरह था। शुरू में उन्हें लगा कि इसराइल का कोई शख्स उनसे बात कर रहा है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह हमास का कमांडर याया सिनवार ही है। खुना हत्सालित ओवेदत बिमला उत्समा इखिया सिनवार मिथखबब बबुंकर शलो वनोतन लमफकदे असदे शलो अटेररिस्टिम लमूत बशतह एचलेनो अमफकदिम ओलखिम बरोश हकोह מובילים קדימה, מביאים להישגים ומנהיגים את הכוחות. याया सिनवार अब इसराइल के सिर पर चढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सिनवार की छाप पड़ी हुई है। हमास का एक एक हमला याया सिनवार की सरपरस्ती में हो रहा है, ये बात इसराइल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीज फायर रहेगा या फिर नहीं, इसका हमास को खत्म करने के उनके एजेंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले ही बता चुके हैं कि इसराइल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। यानी हमास का पक्का इलाज होगा, हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे हैं।
लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा चैलेंज याया सिनवार बन चुका है। याया सिनवार जब तक जिंदा है नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते। नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सिनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाकात करके उनसे सीधे बात कर रहा है, तब से नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याया सिनवार जिंदा है। याया सिनवार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। याया सिनवार बता रहा है कि इसराइल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिंदा है। यही बात इसराइल को बहुत परेशान कर रही है। अगर सिनवार जिंदा है तो इसराइल के ऐसे धमाके उसे डरा पाएंगे? ये सुरंगों में बारूद फिट करके उन्हें तबाह करने वाला ऑपरेशन है जो अब इसराइल पूरे गाजा में चला रहा है। लेकिन हमास जिंदा है और वो याया सिनवार के ऑर्डर पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। सिनवार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इसराइल नाकाम ही साबित हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इसराइल के दो मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसके लिए इसराइल को सीज फायर करना पड़ा, यानी उसका युद्ध और बमबारी काम नहीं आया, वो फेल हो गया। दूसरा मकसद, इसराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इसराइल फेल ही साबित हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि याया सिनवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड है। उसी ने साजिश रची, उसी ने टारगेट चुना और अब वही गाजा में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। गाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है, उसने इसराइल को भी बड़े झटके दिए हैं। इसराइल को उसके मुताबिक नतीजे अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में ये बात साफ है कि इसराइल का हमास के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। इसराइल का ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है, या कहें कि गाजा को दो हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ है उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इसराइल की सेना ने घेर लिया है। अंदर बहुत खतरनाक युद्ध पूरी दुनिया ने देखा है। तो दूसरी तरफ है दक्षिणी गाजा। इसराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन नेतन्याहू को इसमें कामयाबी कब मिलेगी ये फिलहाल वो खुद नहीं जानते।